आज का ये जो आपका प्रोग्राम था किस विषय पर था? हमारे दलित सेना के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद रामचंद्र पासवान आज पुण्यतिथि थी, उसी जयंती पर हम लोग श्रद्धांजलि सभा किए हैं। और समय 11 बजे से था, हम लोग 11 बजे से ही सभा कर रहे थे, क्योंकि अब जाने का प्रोग्राम हो गया था, इसलिए आपका भी समाचार मिला तो हमें रुक गया। आज उनको हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। रामविलास पासवान के सबसे छोटे भाई रामचंद्र पासवान जी थे, उन्होंने दलित समाज के लिए, गुंडों के लिए, उनकी समस्याओं के लिए बहुत सारे कार्य किए, उन्हीं का श्रद्धांजलि। आज का ये प्रोग्राम आपका किस किस जगह पर है? हम लोग पूरा उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया मना रहे हैं जी। हाँ, उनकी जयंती दिल्ली में, हरियाणा में, पूरे 3500 राज्य हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के, पूरे 3500 राज्य में सब जगह मनाया जा रहा है। कहीं कहीं तो जिले जिले के स्तर पर मनाया जा रहा है, बिहार में तो प्रखंड स्तर पर मनाया जा रहा है रामचंद्र पासवान जी का स्थापित सभा। उनकी तरफ से आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देशवासियों को हमारा संदेश यही है कि नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ और हैं, और रामचंद्र पासवान जी के दिवंगत आत्मा को ईश्वर अपनी शरण में शांति प्रदान करें, यही हमारी। नहीं, उनका क्या संदेश था आम जन के लिए? तो उनका था, देखिए, दबे कुचले संक्षिप्त वंचित समाज के जो लोग हैं जी, सभी को मदद करना, सभी का कार्य करना, सभी आगे बढ़ाना, उन्हीं का था। शोषित समाज के दबे कुचले बुनकर, किसान, मजदूर सभी की लड़ाई लड़ते थे, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों के साकार करने के लिए तत्पर थे। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दूसरा कोई अम्बेडकर पैदा हुआ था तो रामविलास पासवान थे, और उन्हीं के अनुयायी थे उनके छोटे भाई रामचंद्र पासवान। दलित सेना की जैसे कि निकाय चुनाव आ रहे हैं, इसमें क्या भूमिका होगी? देखिए, ये हमारी सेना है, ये पॉलिटिक्स पार्टी नहीं है दलित सेना, और लोगों का, सेना का काम है मदद करना। हम लोग NDA के गठबंधन में हैं जी, और NDA के साथ मिलकर के उनका NDA का समर्थन करेंगे। अगर हम लोग मांग भी रहे हैं सीट की, हमें कुछ मिले, अगर सीट मिलती है तो हम लोग अपने प्रत्याशी उतारेंगे। जहां BJP का कैंडिडेट होगा केवल आप उसी की मदद करेंगे, दूसरे किसी की नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो है BJP का।